हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम देखना चाहते हैं कि इस वक्त आपके इंसेस्टर्स आपसे एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। वो आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं, आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में गाइड कर सकते हैं, या अपकमिंग फ्यूचर के लिए पहले से वार्निंग दे सकते हैं। एग्जैक्टली आपके एंसेस्टर्स वो कौन से शब्द हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आपका सुनना ज़रूरी है। ये आपके ही ब्लड लाइन के, आपके ही पूर्वज हैं जो आपको कुछ कहना चाहते हैं, और इस वक्त वो आपका सुनना ज़रूरी है। सो इस वक्त जो वो आपसे कहना चाहते हैं, उसमें जो पहला मैसेज है, दैट इज मिस्टीरियस। वो आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ रहस्यमयी है, कुछ ऐसा है जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। ये आपके जीवन से संबंधित है, कुछ मिस्ट्री है जिसे आपको सुलझाने की ज़रूरत है, और ये आपके लिए ही मिस्ट्री है। इसे हर कोई नहीं समझ पाएगा, हर कोई इसे जान भी नहीं सकता, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज है। आपके पूर्वज उस मिस्ट्री को बस आपके लिए खोलना चाहते हैं। ये मिस्ट्री आपके परिवार से संबंधित हो सकती है, कोई रहस्य है जिसे छुपा के रखा गया, कोई सीक्रेट है जिसे रिवील नहीं किया गया। वो मिस्ट्री वो आपको बताना चाहते हैं, या आपकी प्रोग्रेस से, आपके पर्पस से रिलेटेड कोई मिस्ट्री है जिसे वो कह रहे हैं कि वो आपको जानना ज़रूरी है। और जब आप इसके लिए प्रयास करेंगे तो वो मिस्ट्री अपने आप सुलझ जाएगी। ये आपके लिए आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है। अगला मैसेज जो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं वो क्या है, देख लेते हैं। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि खुद की रिस्पेक्ट करना सीखिए। अगर आप सबको सम्मान देते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, पर खुद को सम्मान नहीं देते, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि खुद की जय करें। वो प्रार्थना आपने सुनी है ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, क्योंकि आपके अंदर भी तो वही ईश्वर बैठा हुआ है। तो जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, खुद की रिस्पेक्ट देते, तो दूसरा कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि हो सकता है हाल फिलहाल में आपने खुद को बहुत ज़्यादा ड्रेन किया हो, या खुद को बहुत डाउन देखा हो, अपनी रिस्पेक्ट ना करते हो, तो इसलिए वो आपको कह रहे हैं कि खुद की रिस्पेक्ट करिए। और जहाँ पे ऐसा लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, वहाँ से थोड़ा दूर भी रहिए, क्योंकि आपको अपनी रिस्पेक्ट करना है, वो आपसे बोल रहे हैं। इस वक्त आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं? आपके एंसेस्टर ऐसा लगता है कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हर वक्त आपको गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे दो मैसेज हैं। पहला जो है वो सोलर प्लेक्सिस चक्रा मणिपुर। यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि आपका जो ये रिस्पेक्ट कम हो रहा है, जो कई बार आपको खुद पे डाउट होता है, या आपको ऐसा लगता है कि आप योग्य नहीं हैं, या आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका जो सोलर प्लेक्सस है ना, ये कमज़ोर हो रहा है, इसकी वजह से आपके आत्मविश्वास में कमी आ रही है। तो अपने सोलर प्लेक्सस को मजबूत करिए, अपने मणिपुरा को मजबूत करिए, तो इसे करने से आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और इसे करने से आपकी लाइफ में जो मिस्ट्री है ना, वो भी खुल जाएगी। यहाँ पे अगला जो मैसेज है वो है चबी पर्सन। आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं इस वक्त आपके लिए कोई चबी पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके आसपास हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा चबी है, थोड़ा गोलू मोलू है, जिसका फेस थोड़ा सा क्यूट है, चबी है, तो वो व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, या हो सकता है वो आपकी ही बात कर रहे हो, आपका फेस चबी हो। अगला जो मैसेज है वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है, फेलियर एंड जस्टिस। यहाँ पे मुझे जेलसी। द मैसेज इज जेलसी एंड मैसेज इज फेलियर। समवन जो रिसेंटली अपनी लाइफ में फेल हुए हैं, या किसी एग्जाम में फेल हुए हैं, जिसकी वजह से वो आपसे जेलस करते हैं, कोई ऐसा है जो आपको कॉम्पिटिट करता है, कोई ऐसा है जो आपसे रन एंड चेज की फीलिंग रखता है, आपसे कॉम्पिटिशन रखता है,
जीवन में कोई आपसे प्रतिस्पर्धा करता है, उसे ऐसा लगता है कि आप उसके कॉम्पिटिटर हैं, और जब वो फेल होता है तो उसकी वजह से वो आपसे जेलस होता है, उसके अंदर एक जलन की भावना है, क्योंकि वो या तो किसी चीज में एग्जैक्टली फेल हुए हैं या किसी चीज में लाइफ के किसी सेक्टर में वो आपसे पीछे रह गए हैं, जिसकी वजह से वो आपसे जेलस होते हैं। वो आपको अच्छा दर्शाते हैं पर वो आपसे जेलस होते हैं, उनके अंदर जलन की भावना है जो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और हो सकता है ये मैसेज उस पर्सन के लिए हो कि वो पर्सन चबी पर्सन है जो अपनी लाइफ में आपसे कॉम्पिटिशन करता है, और आपसे कॉम्पिटिशन करने में जब उसे लगता है कि वो आपसे पीछे हो गया है या किसी लाइफ के सेक्टर में फेल हो गया है, तो वो आपसे जेलस होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें? ऐसे लोगों के साथ एक डिस्टेंस बना लेना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, खुद के रिस्पेक्ट करना, और अपने पास एक बाउंड्री क्रिएट करना ही अच्छा तरीका है, क्योंकि ये आपसे जेलस करते हैं, आपसे जलते हैं। और आपके एंसेस्टर्स इस वक्त एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाहते हैं जो आपका सुनना जरूरी है। कई बार इस तरह के नेगेटिव लोग या इस तरह के लोग जो आपसे जलते हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, पर उनके बीच में रहते हुए भी आपको अपना ऑरा खराब नहीं करना है, क्योंकि किसी भी तरह की अगर आप भी सेम फीलिंग लाते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट करते हैं, अपने ऑरा में नेगेटिव थॉट को क्रिएट करते हैं, और आप डिवाइन सोल हैं, इसलिए आपको किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट को इनवाइट नहीं करना है। अंतर दशा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उनके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि आपकी किसी तरह की अंतर दशा चल रही थी आपके प्लैनेट में, आपकी कुंडली में किसी प्लैनेट की अंतर दशा चल रही थी, तो उससे रिलेटेड आपको इश्यूज या प्रॉब्लम्स हुए होंगे अभी रिसेंट पास्ट में, या आपने कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस की हैं वो इस अंतर दशा की वजह से हो सकती हैं। तो ये आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है। और आपके एंसेस्टर्स एग्जैक्टली आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स जो आपका इस वक्त सुनना जरूरी है। अर्थ एंजल, यहाँ पे अर्थ एंजल के साथ मुझे एक मैसेज जो सुनाई दिया है वो ये है कि हैव पेशेंस। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के पूर्वज उनसे कहना चाहते हैं कि हैव पेशेंस, फेथ रखो, विश्वास रखो और पेशेंस रखो। जो तुम सोच रहे हो वो होगा, लेकिन जैसे तुम सोच रहे हो वैसे होगा ये नहीं कह सकते, इसलिए हैव पेशेंस। तो किसी को ये सुनना जरूरी है कि धैर्य रखिए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी का दिल टूटा है, या आपको किसी बात का दर्द हुआ है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो पर्सन आपसे जेलस है ये ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं। द सेम कलर, सेम एनर्जी मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है कि जो पर्सन आपसे जेलस है उनका दिल टूटा है, ब्रोकन हार्ट। ये आपके पास्ट से संबंधित हो सकते हैं, या ऐसा व्यक्ति है जिसने मन ही मन में आपको अपना शत्रु मान लिया, आपसे कंपटीशन किया, जब वो फेलियर हुए, जब उनको फेलियर मिला तो वो जेलस होने लगे, उनका दिल टूटा है, ब्रोकन हार्ट। और यही यही नेगेटिव एनर्जी है जो उनको कचोट रही है, और वो आपके पास स्प्रेड कर रहे हैं, आपके पास भेज रहे हैं। समवन जो जिसका दिल टूटा है, कोई है जो आपसे कंपटीशन रखता है, जो आपसे जेलस की भावना रखता है, ये कोई सीक्रेटिव पर्सन हो सकता है, या इसकी जो कंपटीशन की फीलिंग है वो मुझे लगता है यहाँ पे सीक्रेटिव है, वो आपको शो नहीं करते पर वो आपसे किसी तरीके का कंपटीशन रखते हैं। डिवाइन, 6 months फ्रॉम नाउ, एंड किस बारे में है ये मैसेज? 6 months फ्रॉम नाउ आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज किस बारे में है, किस बारे में है ये मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से? लेट मी चेक। ट्विन फ्लेम जर्नी, 6 months फ्रॉम नाउ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि ये जो 6 months फ्रॉम नाउ का मैसेज है ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए है। या तो किसी की जर्नी आफ्टर 6 months
शुरू होने वाली है या किसी की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है 6 months फ्रॉम नाउ, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये स्पेसिफिक मैसेज है उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनकी जर्नी में कोई दिलचस्प मोड़ आने वाला है, यूनियन हो सकता है, या अभी अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से नहीं मिले तो 6 months फ्रॉम नाउ अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिल सकते हैं, उनकी जर्नी शुरू हो सकती है। तो ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कुछ खास मैसेज थे जो आपके पास डिलीवर होना चाहते थे। लास्ट मैसेज में एक और लूंगी, कुरुक्षेत्र अबाउट व्हाट, किस बारे में है ये, आपके एंसेस्टर्स ही इसे क्लियर कर सकते हैं किस बारे में है ये। शैडो वर्क, यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि आपका जो कुरुक्षेत्र है, आपका जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, वो अपने ही सेल्फ से चल रहा है, आपके ही इनर सेल्फ से चल रहा है। यहाँ पे शैडो वर्क जैसे जैसे आप कंप्लीट करेंगे, अपने इनर चाइल्ड को जैसे जैसे हील करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे, या मैं यूं कहूँ कि जैसे जैसे आपका ऑरा प्योरीफाई होता जाएगा, जैसे जैसे आपकी जो शक्ति है वो ऊपर उठने लगेगी, वैसे वैसे आप इस युद्ध में विजय हासिल करेंगे। तो ये रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट करती है कमेंट में बताएं, और अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें, डेली उन्हें थैंक यू बोलें, क्योंकि आपके ब्लड लाइन से कोई ऐसे व्यक्ति हैं या कई व्यक्ति हैं जो अब आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर रहे हैं। तो रोज उन्हें दिल से धन्यवाद करें और उनसे प्रार्थना करते रहें कि आपके ब्लड लाइन में किसी से कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ़ करें, आपको माफ़ करें और आपको सही गाइड करें, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके बीज हैं, आपकी रूट्स हैं, उनके आशीर्वाद से ही आप इस संसार में बहुत ज़्यादा समृद्धि हासिल कर सकते हैं, बहुत सुख हासिल कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कुछ देने वाले करने वाले बन सकते हैं। इसलिए हमेशा उनको ग्रैटिट्यूड करते रहें।